हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप मैथ को एंजॉय कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। उसमें भी स्पेशल हम बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, और हम बात करेंगे उनकी कैनोनिकल फॉर्म के बारे में, उनको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं कैनोनिकल फॉर्म में। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन से कि हम कैसे किसी भी सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्लासिफाई कर सकते हैं कि इसका नेचर हाइपरबोलिक होगा, इलिप्टिक होगा या पैराबोलिक होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास को आप सभी के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, आइए बात करते हैं। हमारे पास यदि हम बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में सेकेंड ऑर्डर की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, देन इट हैज द टाइप आर ऑफ आर प्लस एस ऑफ एस प्लस टी ऑफ टी प्लस सम फंक्शन ऑफ, हमारे पास मान लेते हैं एक्स वाई जेड पी क्यू हमारे पास, ठीक है जी, ये हमारे पास होती है स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास, ठीक है जी। एंड इसके अंदर जो नोटेशन यूज की हुआ हमारे पास, जैसे स्मॉल आर क्या होता है, स्मॉल एस क्या होता है, स्मॉल टी क्या होता है, स्मॉल पी क्या होता है, स्मॉल क्यू क्या होता है, इसके बारे में बात करें हमारे पास। इन द अबव इक्वेशन कैपिटल आर रिप्रेजेंट द कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड नोटेशन जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज द दिस कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई, एंड जैसे कि आप जानते हैं टी क्या होता है, कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली वाई स्क्वायर इक्वल होता है। एंड द नोटेशन स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू क्या होते हैं हमारे पास, स्मॉल पी क्या होता है हमारे पास, कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स को बोलते हैं हमारे पास, एंड क्यू बोलते हैं हमारे पास कर्ली जेड बाई कर्ली वाई को। तो ये क्या हमारे पास सेकेंड ऑर्डर की हमारे पास सीधी बात है, इट इज द सेकेंड ऑर्डर की हमारे पास क्या है, सेकेंड ऑर्डर हमारे पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास। इसको हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं कि इसका नेचर क्या होगा, इलिप्टिक होगा, पैराबोलिक होगा, इसके बारे में स्टडी करने का प्रयास करते हैं। तो एग्जाम्पल चलेंगे, उसके बाद समझने का प्रयास करें कैसे उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं कैनोनिकल फॉर्म में। तो ये स्टार्ट करते हैं क्लास को आप सभी के साथ। तो ये स्टैंडर्ड हमने लिखी सेकेंड ऑर्डर की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल कैसे लिख सकते हैं। अब इसको यूज करना चाहिए, हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन रहता है हमारे पास जो बुक में दी हुई है एग्जाम्पल के तौर पर। हमारे पास मान लो कोई इक्वेशन गिवन, हमारे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल हमारे पास कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर माइनस कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास, एग्जाम्पल हमारे पास कर्ली एग्जाम्पल नेक्स्ट हमारे पास क्या, कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई प्लस नाइन कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। हमें दो एग्जाम्पल गिवन हमारे पास, इनको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं इसके बारे में बात करते हैं हमारे पास, ठीक है जी। तो आइए बात करते हैं हमारे पास क्या होगी, हमारे पास कंडीशंस क्या होती है हमारे पास। पहली बात तो इससे पहले फॉर्मूला हमारे पास जो आपको थोड़ा समझना है चीजों को, जैसे हमने लिखा स्टैंडर्ड लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर लिखा हमने, उसके बाद हमारे पास जो कैपिटल आर क्या होता है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर, कैपिटल एस का तो कोफिशिएंट ऑफ स्मॉल एस दैट इज कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई, एंड स्मॉल टी इज द कोफिशिएंट ऑफ कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली वाई स्क्वायर होता है हमारे पास। इसके बाद यदि बात करें हमारे पास जो स्मॉल आर एस टी, तो आपको पता है कैपिटल आर कैपिटल एस कैपिटल टी क्या, दीज आर द कोफिशिएंट ऑफ दी स्मॉल आर स्मॉल एस स्मॉल टी। अब यदि बात करें हमारे पास, हम वैल्यू निकालें एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी, यदि बात करें हम निकालें एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी, यदि हम इसकी वैल्यू निकालें, यदि ये आती है पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन जीरो आती है, देन हम बोलेंगे इक्वेशन जो होगी हमारे पास दैट इज हाइपरबोलिक इन नेचर, हाइपरबोलिक बोलेंगे, क्वेश्चन क्या बोलेंगे हम, इक्वेशन सेट टू बी हाइपरबोलिक इन नेचर, ठीक है जी, हाइपरबोलिक बोलेंगे हमारे पास गिवन इक्वेशन को। और यदि हमारे पास एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी क्या आता है, जीरो की इक्वल, एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी आता है इक्वल टू जीरो की इक्वल, देन हम बोलेंगे गिवन इक्वेशन विल बी पैराबोलिक इन नेचर। हम क्या बोलते हैं, गिवन इक्वेशन क्या होगा हमारे पास, इट विल बी पैराबोलिक, इट विल बी पैराबोलिक। और थर्ड केस जो हमारे पास आता है डेट इज यदि एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी क्या हो, नेगेटिव हो, एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी क्या हो हमारे पास, लेस देन जीरो होता है, देन इन द थर्ड केस वी विल क्लासिफाई इट एज ए इलिप्टिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे, इलिप्टिक इक्वेशन हमारे पास। गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी। इफ एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी पॉजिटिव है, हम बोलेंगे हमारे पास द गिवन इक्वेशन विल बी हाइपरबोलिक। यदि एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी इक्वल टू जीरो आता है तो बोलेंगे इट इज पैराबोलिक, एंड एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी नेगेटिव आता है हम बोलेंगे गिवन इक्वेशन विल बी इलिप्टिक।
तो इसी को यूज करते हुए कंसेप्ट को हमें क्लासिफाई करना है द गिवन इक्वेशन का नेचर क्या होगा। यदि बात करें सॉल्यूशन बारे तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हमारे पास, तो कैसे करेंगे। अब गिवन इक्वेशन क्या है, करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स स्क्वायर माइनस करली स्क्वायर जेड बाई करली वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एक बात और नोट डाउन करें, यदि एग्जाम में आता है कि गिवन इक्वेशन को क्लासिफाई करें और रिड्यूस करें इसकी कैनोनिकल फॉर्म में, तो जब रिड्यूस करें या प्रोसेस होगा उसमें सबसे पहले हमारा जो कार्य रहेगा वो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो किस नेचर की है। यदि इलिप्टिक नेचर की है तो फॉर्मूला कुछ और रहेगा, यदि पैराबोलिक होता है कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला अलग रहेगा, और यदि हमारे पास हाइपरबोलिक होता है तो उसको अलग तरीके से सोल्व करेंगे। तो आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड जो हाइपरबोलिक का जो सोल्यूशन है कैसे कर सकते हैं, उससे पहले बात करते हैं कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं गिवन इक्वेशन को कि हमारे पास ये किस तरह की है। तो हमारे पास गिवन है करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स स्क्वायर माइनस करली स्क्वायर जेड बाई करली वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब यदि गिवन इक्वेशन को कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ तो क्या होगा, इट विल बी लाइक हमारे पास लिख सकते हैं इसको आर लिख सकते हैं माइनस एस की हमारे पास टर्म है, हमारे पास टी इक्वल टू जीरो। और यदि इसको कंपेयर करें हमारे पास, यदि हम कंपेयर करें इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन साथ, कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हमारे पास, कैपिटल आर आर प्लस स्मॉल एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड टी क्यों जो भी टर्म आते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा डेट इज इक्वल टू जीरो। यदि कंपेयर करें देन व्हाट वी गेट कैपिटल आर इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्मॉल आर, कैपिटल विल बी इक्वल टू 1 एंड एस विल बी इक्वल टू 0 एंड कैपिटल टी विल बी इक्वल टू माइनस 1। हमारे पास ये तीन टर्म आएंगी यदि हम कंपेयर करें, कंपेयर करने के बाद हमारे पास आएगा स्मॉल आर का क्या होता है कैपिटल आर इट विल बी इक्वल टू 1, एस के हमारे पास टर्म ही नहीं है इट मींस कैपिटल एस विल बी 0 एंड कैपिटल टी विल बी इक्वल टू माइनस 1 होगा हमारे पास। और अब यदि बात करें हमारे पास फॉर्मूले की एस स्क्र माइनस फोर आर टी के बारे में तो क्या होगा, एस का स्क्र क्या जीरो का स्क्र माइनस फोर आर क्या वन इंटू माइनस वन एंड वट विल गेट माइनस फोर इंटू माइनस वन बी प्लस फोर। अब हमारे पास क्या ही एस स्क्र माइनस फोर आर टी वाली क्या इट विल बी पॉजिटिव, फोर क्या इट इज ग्रेटर देन जीरो। तो हम बोल देंगे जो गिवन इक्वेशन हमारे पास उसका जो नेचर होगा डेट विल बी क्या होगा हमारे पास, यदि पॉजिटिव आता है तो बोलते हैं हाइपरबोलिक, क्या बोलेंगे गिवन इक्वेशन इज हाइपरबोलिक बोल देते हैं हमारे पास। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी वी कैन कैटेगराइज द गिवन इक्वेशन इन थ्री पार्ट्स दैट इज आइदर इट इज इलिप्टिक पैराबोलिक और हाइपरबोलिक। यहां पर हमारे पास एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी हमारे पास पॉजिटिव है इट मीन्स द गिवन इक्वेशन विल बी हाइपरबोलिक, जैसा कि हमने अभी स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा था कि एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी पॉजिटिव आता है तो गिवन इक्वेशन को हम क्लासिफाई करेंगे इट विल बी हाइपरबोलिक। ठीक है जी, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन कंपेयर करेंगे हमारे पास सोल्यूशन हमारे बात करें हमारे पास तो क्या होगा हमारे पास सोल्यूशन हमारे बात करें तो हमारे पास तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हमारे पास करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस नाइन करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स करली वाई प्लस नाइन इंटू करली स्क्वायर जेड बाई करली वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो कैसे कैटेगराइज करेंगे, तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं इसको हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म कितना क्या हो जाएगी आर प्लस 6s प्लस 90 इक्वल टू जीरो। इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम अभी तक करते हैं हमारे पास करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स को बोलते हैं आर, करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स करली वाई बोलते हैं स्मॉल एस एंड करली स्क्वायर जेड बाई करली वाई को नाम देते हैं स्मॉल टी का। तो यदि बात करें आर प्लस 6s प्लस 90 इक्वल टू जीरो, अगेन जो भी हमने मेथड यूज किया था हमारे पास क्या करेंगे कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, विद स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हमारे पास आर आर प्लस कैपिटल एस स्मॉल एस प्लस टी कैपिटल टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू जीरो। व्हाट वी गेट द डिफरेंट वैल्यू कैपिटल आर विल बी इक्वल टू 1, कैपिटल विल बी इक्वल टू 1, कैपिटल एस इक्वल टू 6 एंड कैपिटल टी विल बी इक्वल टू 9। हमारे पास क्या होगा कैपिटल आर इक्वल टू 1, कैपिटल एस विल बी इक्वल टू 6 एंड कैपिटल आर विल बी इक्वल टू 9। नेक्स्ट फार्मूला क्या रहेगा हमारे पास, वी हैव टू फाइंड एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी, काउंट करते हैं हमारे पास क्या होगा वैल्यू, एस का स्क्वायर क्या होगा 6 का स्क्वायर माइनस 4, आर की वैल्यू कितनी हमारे पास 1 की इक्वल है और टी किसी इक्वल है 9 की इक्वल हमारे पास। देन व्हाट वी गेट 6 6 36 माइनस 9 4 36 इट विल बी 0। और अभी हमने पढ़ा हमारे पास यदि एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी हमारे पास 0 की इक्वल आता है तो गिवन इक्वेशन विल बी पैराबोलिक इन नेचर, हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या होगी इट विल बी पैराबोलिक इन नेचर। तो आप इस तरह से हमारे पास
कैटेगराइज कर सकते हैं कि गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर का नेचर क्या होगा, इट विल बी इलिप्टिक, पैराबोलिक और हाइपरबोलिक। इस तरीके से काउंट कर सकते हैं, हमारे पास कैलकुलेट कर सकते हैं कि गिवन इक्वेशन कैसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके बाद एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, जो हम बात करेंगे कैसे किसी भी गिवन इक्वेशन का नेचर फाइंड आउट करने के बाद उसको रिड्यूस कर सकते हैं उसकी कैनोनिकल फॉर्म में। तो आइए बात करते हैं कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं इसकी कैनोनिकल फॉर्म में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे क्लास का, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट लेके चलते हैं न्यूमेरिकल की, उसके बाद सॉल्व करेंगे उसको। हमारे पास एक क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। स्टेटमेंट हमारे पास, व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज क्लासीफाई, क्या है, क्लासीफाई द, क्लासीफाई एंड रिड्यूस, दोनों काम करने, इसमें क्लासीफाई भी करना और रिड्यूस करना हमें, रिड्यूस द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, रिड्यूस द इक्वेशन, इक्वेशन की बन हमारे पास कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस फोर टाइम कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई पर माइनस फाइव टाइम कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली वाई स्क्वायर प्लस सिक्स कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स प्लस थ्री कर्ली जेड बाई कर्ली वाई प्लस थ्री कर्ली जेड बाई कर्ली वाई माइनस नाइन जेड इक्वल टू जीरो। टू कैनोनिकल फॉर्म हमें क्या करें, इसको पहले तो क्लासीफाई करें इसका नेचर क्या होगा, आफ्टर दैट वी हैव टू आल्सो रिड्यूस इट इन इट्स कैनोनिकल फॉर्म। तो हमारे पास कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर बाई कर्ली एक्स स्क्वायर है प्लस फोर कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई है माइनस फाइव टाइम कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली वाई स्क्वायर है प्लस सिक्स टाइम कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स है प्लस थ्री टाइम कर्ली जेड बाई कर्ली वाई है माइनस नाइन जेड इक्वल टू जीरो। हमारे पास इट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास आती है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे हमारे पास, आइए बात करते हैं हमारे पास कैसे करेंगे। तो सबसे पहला जो कार्य रहेगा हमारा दैट इज टू फाइंड द नेचर ऑफ द गिवन इक्वेशन, कैटेगराइज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सोल्यूशन बारे में, पहला जो कार्य हमें निकालना है क्लासीफाई, क्लासीफाई करना है गिवन इक्वेशन नेचर क्या होगा। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं हमारे पास, इट विल बी लाइक आर प्लस फोर एस प्लस, यदि बात करें हमारे पास माइनस है तो माइनस फाइव टी प्लस समथिंग तरह लिख देते हैं हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू लिखते हैं, इसको ऐसे देते हैं हमारे पास प्लस सिक्स पी प्लस थ्री क्यू माइनस नाइन जेड इक्वल टू जीरो। यदि इसको कंपेयर किया जाए स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमारे पास, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन, कंपेयरिंग इक्वेशन वन बोल देते हमारे पास, कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारे पास आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू जो भी हमारे पास इट इज इक्वल टू जीरो। तो व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या आएगी, वी गेट डिफरेंट वैल्यू दैट इज कैपिटल आर विल बी इक्वल टू वन, कैपिटल एस विल बी इक्वल टू फोर एंड कैपिटल टी विल बी इक्वल टू माइनस फाइव। जो सबसे पहला कार्य हमारे पास है गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना, व्हाट वी गेट आर इक्वल टू वन एस इक्वल टू फोर एंड टी इक्वल टू माइनस फाइव। नेक्स्ट हमें बात करनी है एस स्क्वेयर माइनस फोर आर टी के बारे में, इट इज व्हाट फोर का स्क्वेयर माइनस क्या होगा वन, फोर इंटू वन इंटू माइनस फाइव इट विल बी हमारे पास क्या होगी, फोर का स्क्वेयर क्या होगा हमारे पास सिक्सटीन प्लस फाइव फोर जा ट्वेंटी माइनस प्लस प्लस ट्वेंटी इट विल बी थर्टी सिक्स। हमें कोई मतलब नहीं वैल्यू क्या आ रही है, जस्ट हमें एस्टीमेट फॉर आरटी निकालना है, इसका साइन चेक करना है कि या पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है या जीरो इक्वल आ रहा है। यदि पॉजिटिव आ रहा है देन वी विल से इट इज हाइपरबोलिक, इक्वल टू जीरो आता है तो हम बोलेंगे इट इज पैराबोलिक इन नेचर एंड यदि हमारे पास नेगेटिव आता है वी विल से इट इज इलिप्टिक इन नेचर। तो यदि हम बात करें हमारे पास हमने जो इक्वेशन ली थी हमारे पास यहाँ पर एस्टीमेट फॉर आरटी आया पॉजिटिव हमारे पास, यदि एस्टीमेट फॉर आरटी पॉजिटिव आता है तो हम क्या बोलेंगे गिवन इक्वेशन विल बी हाइपरबोलिक इन नेचर, क्या बोलेंगे हाइपरबोलिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है। तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड फॉर्म को निकाल सकते हैं किसी भी गिवन इक्वेशन का। जो क्लासिफिकेशन यदि करना है तो हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ जो भी मार्कस्टर हम उसको एक साइड कर देंगे। हमें क्या करना है कैपिटल एस कैपिटल आर कैपिटल टी वैल्यू निकालनी है देन एस स्क्वायर माइनस फोर आई टी को निकालना है, यदि पॉजिटिव आता है हम बोलेंगे दैट इज द हाइपरबोलिक इक्वेशन। हमारे पास गिवन जो गिवन इक्वेशन थी सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंस इक्वेशन थी हमारे पास, इन दिस केस एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी इज ग्रेटर देन जीरो आया हमारे पास, वी विल से द गिवन इक्वेशन विल बी हाइपरबोलिक। यदि हमारे पास गिवन इक्वेशन का नेचर फाइंड आउट कर लिया तो हमारे पास कार्य यहां तक तो कंप्लीट हो गया।
अब यदि क्वेश्चन पूछता है कि रिड्यूस द गिवन इक्वेशन इन इट्स कैनोनिकल फॉर्म में निकालेंगे हम इसको आगे फर्दर करेंगे। स्टेप सेकंड क्या रहेगा, इट इज द फर्स्ट स्टेप कि हमारे पास पहले क्लासिफिकेशन करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इक्वेशन। वी हैव थ्री मेथड्स, बेसिक स्टेप कॉमन है बट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर यू हैव टू यूज द डिफरेंट मेथड्स डिफरेंट स्टेप्स। ठीक है जी, तो यदि हमारे पास हाइपरबोलिक इक्वेशन आती है उसके लिए हम कैसे कैनोनिकल फॉर्म को फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में आइए बात करते हैं। जैसे हमारे पास हमें पता लगा कि एस क्यू फोर आर टी आई हमारे पास पॉजिटिव, देन सेकंड स्टेप रहेगा हमारे पास गिवन इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन करेंगे क्वाडेटिक इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू जीरो। यदि हमें पता है कि कोई गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है दैट इज हाइपरबोलिक, ये स्टेप कॉमन रहेगा, पहले काम क्या करेंगे दूसरा स्टेप क्या रहेगा आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू जीरो, ये हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन लेकर चलनी कंसिडर करनी है। कैपिटल आर क्या हमारे पास, इट विल बी लाइक प्लस वन फोर एंड माइनस फाइव। तो यदि बात करें वन पुट करते हैं आर के लिए क्या हमारे पास वन, एस के लिए क्या फोर और टी के लिए क्या माइनस फाइव इक्वल। तो यदि बात करें हमारे पास व्हाट वी गेट लैम्डा स्क्वायर इंटू वन लैम्डा स्क्वायर होगा प्लस फोर लैम्डा माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, अब लिखना चाहे तो हमारा क्या लिखेंगे हमारे पास लैम्डा स्क्वायर प्लस फाइव लैम्डा माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। क्या किया हमने, आपको पता ही है छोटे क्लास में करते हैं टेंथ क्लास में हमारे पास हमेशा मिडिल पार्ट को हमें स्प्लिट करना होता है। वी हैव फोर लैम्डा, फोर लैम्डा को इस तरीके से लिखना है आपको कि इनकी मल्टीप्लाई जो टर्म लिखेंगे उसकी आउटर और एक्सटर्नल मीन की टर्म की मल्टीप्लाई इक्वल आए। तो हमने क्या किया, जस्ट हमने क्या किया यहाँ पर, हमने क्या की फाइव लैम्डा से लैम्डा टाइम तो इट विल बी फोर लैम्डा एंड फाइव लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा विल बी माइनस फाइव लैम्डा स्क्वायर इक्वल होगा हमारे पास। तो ये स्टेप आप कर सकते हैं छोटे क्लास में करते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, तो हमारे पास क्या क्या मिडिल टर्म स्प्लिट किया, लैम्डा कॉमन आएगा लैम्डा प्लस फाइव, माइनस वन कॉमन आएगा हमारे पास लैम्डा प्लस फाइव, इट विल बी जीरो। यदि लैम्डा विल निकाला लैम्डा प्लस फाइव होगा हमारे पास एंड इट विल बी लैम्डा माइनस वन। वी गेट टू वैल्यू ऑफ लैम्डा, हमारे पास यहाँ से दो वैल्यू लैम्डा की, लैम्डा विल क्या क्या हमारे पास लैम्डा विल बी इक्वल टू माइनस फाइव एंड प्लस वन एंड माइनस फाइव। एक का नाम देंगे लैम्डा वन, एक का नाम लैम्डा टू दे देंगे हमारे पास, हमारे पास लैम्डा दो वैल्यू है हमारे पास। तो डिपेंडिंग अपॉन द टू वैल्यू लैम्डा नेम एज हमारे पास यदि बात करें हमारे पास क्या नाम दे देंगे हमारे पास लैम्डा वन नाम देते हैं हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास क्या नाम देते हैं लैम्डा वन इक्वल टू वन और लैम्डा टू इक्वल टू माइनस फाइव, कोई भी नाम दे सकते हैं आपकी चॉइस है हमारे पास। वी गेट टू वैल्यू ऑफ लैम्डा, एक का नाम लैम्डा वन एक का लैम्डा टू नाम दे दोगे आप। इट इज द सेकंड स्टेप यदि हम कैनोनिकल फॉर्म के बारे में बात करें। इसी के बाद फर्दर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, वी हैव टू कंसीडर टू इक्वेशन, दिस इज स्टेप नंबर थ्री हमारे पास गिवन प्रॉब्लम क्या होगा, हमें क्या करना दो इक्वेशन कंसीडर करनी है डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा वन इक्वल टू जीरो एंड सेकंड इक्वेशन क्या रहेगी डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा टू इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा वन इक्वल टू जीरो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा टू इक्वल टू जीरो। अब यदि हम बात करें हमारे पास एक का नाम लैम्डा वन ले लो एक नाम लैम्डा टू दे दो हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगा व्हाट वी गेट, हम मान लेते हैं हमारे पास लैम्डा वन हमने क्या माना था लैम्डा माना था हमने प्लस वन को माना था लैम्डा टू माना था माइनस फाइव को। तो आफ्टर दिस पुट कर वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन माना था इक्वल टू जीरो एंड इसको कर लेते सॉल्व क्या होगा डी वाई प्लस डी एक्स इक्वल टू जीरो होगा। इंटीग्रेट कर दो तरफ, इंटीग्रेटिंग करें तो क्या होगा हमारे पास इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड व्हाट वी गेट, इंटीग्रेट करें तो हमारे पास क्या होगा वी गेट वाई प्लस एक्स विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हम नाम देंगे यू के इक्वल कोई भी नाम दे देंगे। सेम यहाँ पे करेंगे व्हाट वाज द लैम्डा टू वाज इक्वल टू माइनस फाइव, लैम्डा टू वाज इक्वल टू माइनस फाइव, डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, डी वाई माइनस फाइव डी एक्स इक्वल टू जीरो। इंटीग्रेट दोनों तरफ करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड व्हाट वी गेट, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड व्हाट वी गेट डी वाई के इंटीग्रेशन वाई माइनस फाइव एक्स इक्वल टू मना देते कॉन्स्टेंट का हमारे पास, एक का नाम यू दे दोगे एक का नाम वी दे दोगे, लेट इट इज इक्वल टू यू इट इज इक्वल टू वी नाम देते हमने क्या नाम दिया हमारे पास लेट यू इक्वल टू हमारे पास क्या वाई प्लस एक्स के इक्वल हमारे पास एंड वी इक्वल टू मान लिया वाई माइनस फाइव एक्स के इक्वल है। वी गेट टू वैल्यू फ्रॉम हेयर नेम एज यू एंड वी। नेक्स्ट में बात करें पी के बारे में, हमें क्या करना है जो गिवन इक्वेशन में टर्म उनको निकालना है। पी क्या होता है कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स, इसको फॉर्मूला क्या होता है कर्ली जेड बाई कर्ली यू और कर्ली यू बाई कर्ली एक्स प्लस कर्ली जेड बाई कर्ली वी और कर्ली वी बाई कर्ली एक्स। अब हमने क्या करना, देखो हमारा जो स्टेप रहेगा नेक्स्ट, हमें क्या करना है इनकी वैल्यू निकालनी है,
हमें क्या करना है, इंटीग्रल निकालने हमारे पास किस किस की, कर्ल इसके जड़ पे कर लिया एक्स स्क्वायर, कर्ल इसके जड़ पे कर लिया एक्स, कर लिया वाई, कर्ल इसके जड़ पे कर लिया वाई स्क्वायर, कर लिया जड़ पे कर लिया यू, कर लिया जड़ पे कर लिया एक्स और कर लिया वाई। ठीक है जी, तो इंटीग्रल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम अब स्टैंडर्ड मेथड यूज करेंगे इन पांचों को निकालने के लिए। हम क्या करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें क्या करना, यहाँ पर यदि बात करें हमें पता है p इक्वल टू कर लिया जड़ पे कर लिया एक्स होता हमारे पास, हमने बात की थी, एंड इट विल बी इक्वल टू, यदि बात करें हमारे पास u किसका फंक्शन है, हमारे पास u इज फंक्शन ऑफ x एंड y, दोनों फंक्शन है, तो क्या करेंगे, u v भी फंक्शन x और y का, तो हम बोलेंगे कर ली जेड बाई कर ली x को लिख सकते हैं, कर ली जेड बाई कर ली u इंटू कर ली u बाई कर ली x, सेम कर ली जेड बाई कर ली v कर ली v बाई कर ली x। अब हमारे पास u और v क्या था, हमारे पास यदि बात करें u वाज इक्वल टू क्या था हमारे पास, y प्लस x, u क्या था y प्लस x था हमारे पास, यदि बात कर ली u बाई कर ली x के बारे में, इट विल बी इक्वल टू 1, कर ली u बाई कर ली y इक्वल टू 1 होगा। और यदि बात कर हमारे पास दूसरी टर्म के बारे में, वी हैव y v इक्वल टू क्या था हमारे पास, v इक्वल टू y माइनस 5x, y माइनस 5x था, कर ली v बाई कर ली x निकालते हैं हमारे पास, इट विल बी माइनस 5, एंड कर ली v बाई कर ली y इक्वल टू प्लस 1। तो ये जो टर्म यूज हो रही है हमारे पास, कर ली u बाई कर ली x, हमें कर ली v बाई कर ली x निकाल दी टर्म, पुट कर द वैल्यू हमारे पास, p विल बी इक्वल टू कर ली z बाई कर ली u इंटू कर ली यू बाई कर ली एक्स विल बी इक्वल टू वन था, पुट कर दी वैल्यू वन बी कॉल प्लस कर ली जेड बाई कर ली वी, कर ली जेड बाई कर ली वी और कर ली वी बाई कर ली एक्स क्या था हमारे पास, माइनस फाइव इक्वल था, पुट कर दी वैल्यू, इट वाज द टर्म कर ली जेड बाई कर ली एक्स के इक्वल था हमारे पास। और यदि पूरे से कॉमन ले जेड को, तो कर ली बाई कर ली एक्स विल बी इक्वल टू आएगा कर ली बाई कर ली यू माइनस फाइव टाइम कर ली बाई कर ली वी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है जी, अब यदि बात करें हमारे पास, बात करें क्यू के बारे में, व्हाट वाज द क्यू, क्यू क्या था हमारे पास, क्यू वाज द टर्म, यदि क्यू के बारे में बात करें, क्यू को लिख सकते हैं हमारे पास, क्यू विल बी इक्वल टू करली जेड बाई करली वाई, करली जेड बाई करली वाई क्या लिखेंगे, सेम एज इट इज, करली जेड बाई करली यू बाई करली वाई प्लस करली जेड बाई करली वी बाई करली वाई। वैल्यू पुट करें हमारे पास, करली जेड बाई करली यू, करली जेड बाई करली यू, करली यू बाई करली वाई क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू वन, इट विल बी इक्वल टू वन, करली जेड बाई करली वी क्या होगा, करली वी बाई करली वाई क्या था, करली वी बाई करली वाई इक्वल टू वन था हमारे पास, इट वाज द करली जेड बाई करली वाई। और यदि हम लेट करके निकाले यहां से हमारे पास, व्हाट वी गेट, वी गेट हमारे पास क्या होगा, हमें क्या मिलेगा हमारे पास, वी गेट हमारे पास यहां से जो टर्म आएगी, दैट वी गेट फ्रॉम हियर, करली बाई करली वाई इक्वल टू करली बाई करली यू प्लस करली बाई करली वी के इक्वल होगा हमारे पास, करली बाई करली वी के इक्वल होगा हमारे पास। ठीक है जी, ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू है। अब हमारे पास p की वैल्यू आई, क्यू की वैल्यू होगी, अभी निकालेंगे r और s और t की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे हमारे पास, यदि r के बारे में बात करें हमारे पास, r क्या था हमारे पास, वी हैव स्मॉल r इक्वल टू करली स्क्वायर z बाई करली x स्क्वायर, इसको लिखते हैं करली बाई करली x करली z बाई करली x लिख सकते हैं हमारे पास। लिखने के बाद यदि बात करें हमारे पास, करली बाई करली एक्स को निकाल चुके हम, करली बाई करली एक्स क्या था हमारे पास, करली बाई करली यू माइनस फाइव करली बाई करली वी, करली यू बाई करली एक्स, करली बाई करली यू माइनस फाइव बाई करली बाई करली वी, और ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है करली करली जेड बाई करली यू माइनस फाइव टाइम करली जेड बाई करली वी के इक्वल थी। मल्टीप्लाई करें हमारे पास, तो वी गेट आर इक्वल टू, आर मीन्स करली स्क्वेयर जेड बाई करली एक्स स्क्वेयर, करली एक्स स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू क्या होगा, करली स्क्वायर जेड बाई करली यू स्क्वायर, करली यू स्क्वायर माइ प्लस 25 करली स्क्वायर जेड बाई करली वी स्क्वायर माइनस 5 करली माइनस 5, यहां पे क्या आएगा, माइनस 5 करली स्क्वायर जेड बाई करली यू वी, और यहां पे क्या आएगा हमारे पास, माइनस 5, तो क्या आएगा हमारे पास, प्लस सॉरी माइनस 10 करली स्क्वायर जेड बाई करली यू करली वी के इक्वल आएगा। सेम यदि बात करें, इट इज द आर, सेम एस निकालेंगे हमारे पास, एस क्या होगा, करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स करली वाई, करली बाई करली एक्स करली जेड बाई करली वाई, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, दोनों दोनों हमारे पास क्या वैल्यू थी हमारे पास, यदि बात करें करली बाई करली एक्स क्या था हमारे पास, वी हैव क्या थी वैल्यू हमारे पास, करली बाई करली एक्स निकालती क्या थी, करली बाई करली यू माइनस 5 टाइम करली बाई करली वी, और यहां पे क्या थी, करली जेड बाई करली वाई, करली जेड बाई करली वाई निकाला था हमने यहाँ पर, करली जेड बाई करली वाई क्या था, करली बाई करली करली जेड बाई करली यू प्लस करली जेड बाई करली वाई, करली जेड बाई करली यू प्लस करली जेड बाई करली वी के इक्वल था। मल्टीप्लाई करते हमारे पास, व्हाट वी गेट, वी गेट
करली स्क्वायर जेड बाई करली यू स्क्वायर, करली स्क्वायर जेड बाई करली यू स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा प्लस करली स्क्वायर जेड बाई करली यू भी हो जाएगा, माइनस फाइव ही हो जाएगा हमारे पास, तो क्या होगा माइनस फाइव प्लस वन विच इज माइनस फोर, करली स्क्वायर जेड बाई करली यू करली भी होगा, एंड माइनस माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस फाइव करली स्क्वायर जेड बाई करली वी स्क्वायर भी इक्वल होगा, इट वाज द टर्म एस, और भी कैन से करली स्क्वायर जेड बाई करली यू करली वी करली एक्स करली वाई, ठीक है जी। अब हमें बात करनी थी हमारे पास किसके बारे में, हमारे पास टी के बारे में, व्हाट वाज द टी, टी वाज इक्वल टू क्या था हमारे पास, करली स्क्वायर जेड बाई करली वाई स्क्वायर, क्या होगा करली वाई करली वाई करली जेड बाई करली वाई की इक्वल होगा। आफ्टर दिस व्हाट वी गेट, करली वाई हमारे पास निकला था अभी, क्या था हमारे पास करली वाई था, करली यू प्लस करली वाई करली वी, करली यू बाई करली यू प्लस करली वाई करली वी, करली वाई करली यू प्लस करली वाई करली वी, एंड व्हाट वाज द करली जेड बाई करली वाई, करली जेड बाई करली वाई क्या था, करली जेड बाई करली यू प्लस करली जेड बाई करली वी, करली जेड बाई करली यू करली जेड बाई करली यू प्लस करली जेड बाई करली बी, मल्टीप्लाई करें हमारे पास टी वैल्यू आएगी हमारे पास, टी क्या था हमारे पास यदि बात करें, टी वाज इक्वल टू करली स्क्वायर जेड बाई करली वाई स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू करली स्क्वायर जेड बाई करली यू स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर जेड बाई करली यू करली बी प्लस करली स्क्वायर जेड बाई करली यू करली बी प्लस करली स्क्वायर जेड बाई करली बी का स्क्वायर। वी कैन राइट करली स्क्वायर जेड बाई करली वाई स्क्वायर एज करली स्क्वायर जेड बाई करली यू स्क्वायर, करली यू स्क्वायर वन प्लस वन विल बी टू, तो टू टाइम ऑफ करली स्क्वायर जेड बाई करली यू करली बी प्लस करली स्क्वायर जेड बाई करली वी का स्क्वायर। हमने सारी यू पी क्यू आर एस टी सभी वैल्यू निकाल दी, सभी वैल्यू निकालने के बाद टी वैल्यू तुम्हारे पास, सारी वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर इक्वेशन पुट करेंगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। यदि हमारे पास बात करें गिवन इक्वेशन क्या तुम्हारे पास, गिवन इक्वेशन वाज लाइक दिस, हमें क्या करना, हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, अभी हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, इसकी वैल्यू निकाल दी, इसकी निकाल दी, इसकी निकाल दी, इसकी निकाल दी, सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे आप, देन द रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी द कैनोनिकल फॉर्म फॉर द गिवन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, हमने आज क्या सीखने का प्रयास किया, क्या सीखा हमने आज क्लास में, तो सबसे पहले हमने बात की किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कितने क्या इसका ऑर्डर होगा, क्या नेचर होगा इसका हमारे पास। तो हमने कहा कि गिवन इक्वेशन है जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर के बारे में बात करें, देखो हम बात कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लासिफिकेशन के बारे में और उसको कैसे कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने कहा कि गिवन स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू जीरो, स्मॉल आर विल बी इक्वल टू करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स स्क्वायर, स्मॉल एस इक्वल टू करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स करली वाई इक्वल होता है, एंड स्मॉल टी इक्वल टू होता है करली स्क्वायर जेड बाई करली वाई स्क्वायर इक्वल होता है, एंड स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू आर ऑल्सो इक्वल टू करली जेड बाई करली एक्स एंड करली जेड बाई करली वाई रिस्पेक्टिवली। आफ्टर दिस हमने बात की सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में कि क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। यदि हम बात करना चाहें क्लासिफिकेशन के बारे में तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास यदि हम बात करें क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन के लिए आप ध्यान दें हमारे पास तीन वैल्यूज होती है हमारे पास, हमारे पास क्या होता है गिवन इक्वेशन में आर एस टी निकालें कैपिटल, यदि एस के माइनस फोर आर टी पॉजिटिव आता है तो गिवन इक्वेशन विल बी हाइपरबोलिक, यदि एस के माइनस फोर आर टी इक्वल टू जीरो आता है तो गिवन इक्वेशन पैराबोलिक होगी, और यदि एस के माइनस फोर आर टी क्या आता है लेस देन जीरो आता है तो गिवन इक्वेशन इलिप्टिक होगी। तो हमने इसी को यूज करते हुए कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल किए, हमने क्या किया गिवन इक्वेशन में रिड्यूस किया स्टैंडर्ड फॉर्म में, इट विल बी इक्वल टू आर माइनस टी इक्वल टू जीरो, देन कंपेयर किया इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी एंड फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, देन वी गेट कैपिटल आर इक्वल टू वन, कैपिटल एस इक्वल टू जीरो एंड कैपिटल टी इक्वल टू माइनस वन, देन हमने फाइंड किया एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी, एस स्क्वायर किया जीरो का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस वन इट विल बी फोर। यदि ये पॉजिटिव आता है एस स्क्वायर फोर आर टी, हम कहते थे हमारे पास गिवन इक्वेशन का जो नेचर होगा दैट विल बी हाइपरबोलिक होगा। इसी तरह हमने इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए एक और क्वेश्चन किया हमने प्रैक्टिस कि हमारे पास गिवन इक्वेशन है करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स करली वाई प्लस नाइन टाइम ऑफ करली स्क्वायर जेड बाई करली वाई स्क्वायर। हमने क्या किया पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा आर प्लस सिक्स एस प्लस नाइन टी इक्वल टू जीरो,
देन सेम कंपेयर किया हमारे पास, वी गेट कैपिटल आर इक्वल टू वन, कैपिटल एस इक्वल टू सिक्स एंड कैपिटल टी इक्वल टू नाइन. आफ्टर दिस एस क्यू माइनस फोर आई टी निकाला हमने, इट विल बी सिक्स स्क्वेयर माइनस फोर इंटू वन इंटू नाइन, इट विल बी हमारे पास क्या जीरो इक्वल. यदि एस स्क्वेयर माइनस फोर आर टी जीरो आता है देन हम गिवन इक्वेशन को क्लासीफाई करेंगे, इट विल बी द पैराबोलिक इन नेचर. इसी तरह हमने न्यूमेरिकल किया जिसमें हमने क्लासिफिकेशन भी किया, साथ ही साथ हमने बात की कैसे हम इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं कैनोनिकल फॉर्म में. तो कुछ अलग से स्टेप हमने स्टार्ट किए, हमने पहले क्लासिफिकेशन तो सेम किया जैसे हम करते हैं, गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा आर प्लस फोर एस माइनस फाइव टी प्लस सिक्स पी प्लस थ्री क्यू माइनस नाइन जेड इक्वल टू जीरो, कंपेयर किया, वी गेट आर कैपिटल एस कैपिटल टी, देन वी कैलकुलेट एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी, इट इज पॉजिटिव. यदि हमारे पास पॉजिटिव आता है तो जैसा फर्स्ट एग्जाम्पल हमने किया था द गिवन इक्वेशन विल बी हाइपरबोलिक. यदि गिवन इक्वेशन हाइपरबोलिक होता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास किसके लिए, रिडक्शन के लिए कैनोनिकल फॉर्म में. क्या स्टेप होता है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी. हमें क्या करना है, लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर करनी है. हमें क्या करना है, कंसिडर करनी है हमारे पास, कंसिडर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लैम्डा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन लैम्डा, इक्वेशन इन लैम्डा दैट इज आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस कैपिटल टी इक्वल टू जीरो. हमारे पास कैपिटल आर क्या था, इट वाज इक्वल टू वन था हमारे पास, कैपिटल एस फोर इक्वल था एंड कैपिटल टी वाज इक्वल टू माइनस फाइव. ये सारे वैल्यू पुट कर दिए हमने, यहां से लैम्डा में इक्वेशन थी हमारे पास, लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप रूट निकाल सकते हैं, आप कोई मेथड यूज करें. एक फॉर्म और होता है हमारे पास, क्या होता है, यदि एक्स क्यू निकालनी हमारे पास, यदि इक्वेशन हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू है. इससे भी निकाल सकते हैं आप वैल्यू किसी भी गिवन इक्वेशन की, जहां पर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल डिस्क्रिमिनेंट की इक्वल होता है. तो कोई मेथड लगा लैम्डा, दो वैल्यू निकालेंगे, एक का नाम लैम्डा वन देंगे, एक का नाम लैम्डा टू देंगे. दोनों वैल्यू निकालने के बाद आफ्टर दिस हमें कंसिडर करनी है डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा वन इक्वल टू जीरो इक्वेशन, एक करें डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा टू इक्वल टू जीरो. डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा वन का नाम दिया वैल्यू वन थी, लैम्डा वन नाम दिया था वन वैल्यू को दिया था हमने, और दूसरी नाम माइनस फाइव लैम्डा टू दिया था. पुट कर दोनों वैल्यू, लैम्डा वन इक्वल टू वन, लैम्डा टू इक्वल टू माइनस फाइव, देन इंटीग्रेट, वी गेट वाई प्लस एक्स इक्वल टू सब कॉन्स्टेंट एंड यहाँ वाई माइनस फाइव एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट नाम दिया हमने, कॉन्स्टेंट ने यू और बी नाम दिया. यदि हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है देन वी हैव टू फाइंड द पी. पी क्या होता है, कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स, कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स. अब यदि बात करें हमारे पास जो यू और यू फंक्शन एक्स और वाई का, तो लिख सकते हैं बाय चैन रूल कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स लिख सकते हैं, कर्ली जेड बाय कर्ली यू बाय कर्ली एक्स प्लस कर्ली जेड बाय कर्ली वी बाय कर्ली एक्स. कर्ली यू बाय कर्ली एक्स निकाल देंगे, यू क्या था हमारे पास वाई प्लस एक्स था एंड वी वाज वाई माइनस फाइव एक्स. पहले पुट करें कर्ली यू बाय कर्ली एक्स निकाल दें, कर्ली यू बाय कर्ली वाई निकाल दें हमारे पास, देन सारे वैल्यू निकाल हमारे पास जो पुट कर सकते हैं, कर्ली यू बाई कर्ली एक्स की वन वैल्यू थी और कर्ली वी बाई कर्ली एक्स की माइनस फाइव थी, पुट कर दिया हमने. ये हमारे पास कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स आया, कर्ली जेड बाई कर्ली यू माइनस फाइव टाइम कर्ली जेड बाई कर्ली वी. हम यदि जेड कॉमन लें तो क्या होगा, कर्ली बाई कर्ली एक्स इक्वल टू कर्ली बाई कर्ली यू माइनस फाइव टाइम कर्ली जेड बाई कर्ली वी होगा. सेम जैसे पी निकाला क्यों निकाल दिया, कर्ली जेड बाई कर्ली वाई देंगे, कर्ली जेड बाई कर्ली यू इंटू कर्ली यू बाई कर्ली वाई प्लस कर्ली जेड बाई कर्ली वी इंटू कर्ली वी बाई कर्ली वाई. कर्ली यू बाई कर्ली वाई वैल्यू पुट कर दी वन की इक्वल और कर्ली वी बाई कर्ली वाई वन की इक्वल पुट कर दी, वी गेट क्यू की वैल्यू. अब हमारे पास निकाला कैपिटल आर, कैपिटल आर क्या होगा हमारे पास, यदि बात करें कैपिटल आर इक्वल टू होता है कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर. जैसा कि आप पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ते हैं कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर होते हैं कर्ली बाई कर्ली एक्स ऑफ कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स. कर्ली बाई कर्ली एक्स निकाला था हमने और कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स निकाला, दोनों वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर, कर्ली यू बाई कर्ली वी माइनस फाइव टाइम कर्ली बाई कर्ली वी पुट कर दी, ये मल्टीप्लाई कर दी. मल्टीप्लाई करेंगे हम क्या होगा, कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली यू स्क्वायर आएगा. मल्टीप्लाई करें यहाँ पे एड सबट्रैक्ट कर दें जो भी हमारे पास आती वैल्यू, वी गेट लाइक दिस. ठीक है जी, तो फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव, कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली वी स्क्वायर माइनस फाइव माइनस फाइव माइनस टेन हो गया. सेम हमारे पास एस निकाल देंगे, कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई, कर्ली बाई कर्ली एक्स ऑफ कर्ली जेड बाई कर्ली वाई कर देंगे. कर्ली बाई कर्ली एक्स पता है, कर्ली जेड बाई कर्ली वाई पता है, वैल्यू पुट कर दिया आपने, वी गेट एस. एस के बाद हमारे पास निकालने वैल्यू किसकी, टी की वैल्यू. ये क्या होता है, कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली वाई स्क्वायर होता है, कर्ली बाई कर्ली वाई ऑफ कर्ली जेड बाई कर्ली वाई वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, वी गेट आर एस टी. हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, हमारे पास क्या किया हमने, पी की वैल्यू आ गई हमारे पास. यदि बात करें वी गेट पी क्यू निकाल दिया हमने, स्मॉल आर निकाल दिया, स्मॉल एस निकाल दिया, कैप स्मॉल टी निकाल दिया. पुट ऑल दी वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट द क्या निकालेंगे हमारे पास, कैनोनिकल फॉर्म आई किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की. हमारे पास क्या होगी,
कैनोनिकल फॉर्म हमारे पास जो आएगी दैट विल बी द कैनोनिकल फॉर्म फॉर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर हमारे पास, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप सॉल्व करें डिफरेंट मेथड से किसी भी गिवन प्रॉब्लम की कैनोनिकल फॉर्म निकाल सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन स्टेप है, दूसरा लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चलनी है आपको, तीसरा स्टेप क्या करना है, डी बाय डी एक्स प्लस लैम्डा वन लैम्डा टू लेके चलना है, नाम और यू और वी को देना है, देन वी हैव टू फाइंड पी क्यू आर एस टी स्मॉल निकालने हैं, देन पुट गिवन इक्वेशन के अंदर करेंगे, देन वी विल गेट द कैनोनिकल फॉर्म फॉर द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आप कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है ऑलवेज फील फ्री टू शेयर नोट्स, आपको दे देंगे क्लास के एंड के बाद कैसे आप क्लासिफाई कर सकते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सीखा। और आपके मन में कहीं भी कोई क्वेश्चन है किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग किसी भी स्टेप के रिगार्डिंग ऑलवेज फील फ्री टू शेयर अस, वी आर ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लाइफ विद अस, कीप इन जग मैथमेटिक्स, थैंक यू।